यहाँ पे जो फसल लगी हुई है, यहाँ टमाटर लगा हुआ है और इस तरफ जो है ना बैगन लगे हुए हैं, इसको हमें मल्चिंग करना है। मल्चिंग हिंदी में बोलते हैं उसको आच्छादन, ठीक है। आच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवाणुओं की संख्या को मेंटेन करके रखती है, या जीवाणुओं के लिए जो एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है, भोजन, हवा, पानी और नमी का, सो वो मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर सूरज की किरण डायरेक्ट मिट्टी पे पड़ेगी तो क्या होगा, इस पे वाष्पीकरण भी होगा और धूप पड़ने से जो है ना मिट्टी का जो जीवाणुओं की वर्किंग है वो डैमेज होगी, या जीवाणु ही मरेंगे, है ना, या फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। सो उस कंडीशन में हम लोग इस पे आच्छादन करते हैं। आच्छादन जो है ना मिट्टी को ढकना होता है बेसिकली। जब हम मिट्टी को ढक देते हैं तो उससे जो है ना पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है। सो मोनोक्रॉपिंग के मॉडल में पानी की बचत करने में ये फायदा पहुंचाती है, मतलब पानी की बचत आप इससे कर पाते हो। दूसरा ये होता है कि नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है, और तीसरी बात ये होती है कि इस पे कोई भी खरपतवार फिर निकल के नहीं आ पाता। जैसे हमने वो पहले बेड में सबसे स्टार्टिंग में किया हुआ था, आप उसको देखिए, और फिर ये बाद में हुए हैं बेड, इनको देखिए और इनकी कंडीशन देखिए, इनमें कितनी घास आपको दिख रही है, ठीक है। पेड़ कम दिख रहे हैं, घास ज़्यादा दिख रही है, और ऐसा सबके खेतों में होता है कि अगर हम खरपतवार को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो फिर फसल के लिए बहुत बुरा असर छोड़ता है, और फिर फसल आप अच्छे से नहीं ले पाते हैं। सो ये आच्छादन जैसे ही हमने प्लांटिंग किया, और आपको तुरंत करना चाहिए ताकि कोई भी खरपतवार आपके खेत में ना उग पाए, ठीक है। सो जब हम ये ढक देते हैं इससे, तो हम वो पौधा केवल ऊपर निकालते हैं जो हमारा, मतलब जो फसल के रूप में है हमारा, जो हमने लगाया है, और बाकी के पौधे जो है ना ढक जाते हैं, या वो स्पेस ढक जाता है, सो उससे खरपतवार ऊपर निकल के नहीं आ पाती है। सो मल्चिंग का ये फायदा है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब ये ढका रहता है तो सनलाइट मिट्टी पे नहीं पड़ती है, सो पानी का वाष्पीकरण भी रुकता है, सो पानी कम लगता है, और जो नीचे प्रक्रिया हो रही है हमारी जीवाणुओं की वो प्रॉपर होती रहती है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल हम डालेंगे, जैसे हमने धान का पैरा डाला या फिर जो भी हमारे पास वेस्ट है, सो वो वेस्ट हम इस पे डाल देते हैं, तो उससे हमारे वेस्ट का भी इस्तेमाल हो जाता है, और दूसरा जो है ना ये जाके मिट्टी के संपर्क में जब लगातार रहेगा, सो एक समय आने के बाद ये कंपोस्ट भी हो जाता है। सो कंपोस्ट की कंपोस्ट बन गई, अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ी, कचड़े का इस्तेमाल हो गया, पानी की बचत हो गई, खरपतवार नहीं हुआ, और अगर पानी की बचत और खरपतवार हुई तो फसल भी आपकी बहुत अच्छी पैदा होती है। नहीं तो यहाँ पे जो अब जैसे मान के चलो ये बैगन का पौधा है, बेचारा जो है ना इसके आजू बाजू इतनी सारी घास हुई है कि जितना ये खा रहा है उससे 150 गुना तो इनने खा लिया इसका भोजन, और जब ये सब खा लेंगे इसका भोजन तो ये बेचारा छोटा रह जाएगा, और धीरे धीरे जाके आप उसको कितना भी प्रसव करेंगे, कितना भी खाद पानी डालेंगे, और उसका पता चला आधे से ज्यादा हिस्सा तो ये उठा के ले जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये व्यवस्था करनी होती है, और इस व्यवस्था से हम अपनी फसल को भी सुरक्षा पहुंचाते हैं, और क्या नाम से जीवाणुओं की और मिट्टी की जो कार्यशैली है उसमें निरंतर बढ़ोतरी भी करते हैं और कार्यशैली को बनाए रखते हैं, ठीक है। जो जीवाणुओं की प्रक्रिया मिट्टी के अंदर होती है उसको हम इसमें बनाए रखते हैं। तो ये आच्छादन हमें इसमें अब करना है, और पहले हम क्या करेंगे, खुरपी लेंगे, और खुरपी से पहले इन सारे पौधों को निकालेंगे, जो पौधे हमने लगाए हुए हैं उनको छोड़कर, है ना, जैसे बैगन लगा है इस पे, तो बैगन को छोड़कर जो भी पौधे इस पे लगे हैं बेड पे, पहले हम उसको हटाएंगे, और फिर उसके बाद ये घास को हम पहले बाद में डालेंगे, ठीक है। सो एक तरीका तो ये है कि आप उसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, है ना, लेकिन बैगन को छोड़कर, ये बैगन लगा है, ये सब फालतू है सर, हाँ ये सब फालतू है, ठीक है। इसमें बैगन वाला कौन सा है, बैगन ये जो है ना सवा डेढ़ डेढ़ दो दो फीट के अंतर से लगे हुए हैं, डेढ़ डेढ़ फीट के अंतर से, मैं समझ रहा था ये लगे, ये बैगन है ना, किसको हटा दे, सो देख लो, सुन लो, समझ लो, जो बड़े बड़े पौधे होंगे वो तो आप हाथ से उखाड़ दोगे, लेकिन ये इस तरह के जो छोटे पौधे हैं उनको तो आप ऐसे भी कर दोगे ना, ऐसे तो भी ये हट जाएंगे, समझ रहे ना। सो बड़े बड़े पौधे खाली हम हटा देंगे हाथ से मैनुअली, ऐसे करके ये
बैगन का बस ध्यान रखना कि बैगन के पौधे ना निकले, ठीक है? ये बैगन खुरपी का खुरपी में खुरपी रवि दो खुरपी ये बैगन है, ये बैगन है, ये बैगन है, बड़ा बड़ा बस हाथ से निकालो, बाकी छोटा जो है ना अभी खुरपी दे दे रहे हैं जी। अच्छा, ये खुरपी है, इस खुरपी से भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है? ये ऐसे ऐसे कर दीजिए आप, बस खाली है ना। एक उस तरफ दे दो, एक इधर दे दो, वहाँ वो भी खुरपी है, ये भी बेटा वो भी खुरपी है, और क्या हुआ? ये ऐसे कर बस चलेगा ना, एक बार और। अरे सर वीडियो ना रहे, देखो सर अभी तो ये प्राइमरी बेस हमने तैयार किया था मल्चिंग करने का, लेकिन हम लोग लेट हो गए तो ये इतना निकालना पड़ा घास, और अगर ये आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 2-3 दिन के अंतर में अगर हम कर लेते इसको कि भाई आज हमने नर्सरी का पौधा लगाया और हमने पीछे से जाके ये मल्चिंग कर दी, सो फिर हमें कुछ भी ये नहीं करना था जो हमने अभी किया, ठीक है? लेकिन ठीक है, अभी हम लोग कर रहे थे तो लगा कि ये इतना घास निकाल दे और फिर ढके तो ज्यादा अच्छा है ना, जो निकल आई है उसको तो अलग कर ही दे। तो अब यहाँ पे जो बेड बना, जैसे हमने आपको समझाया था मोनोक्रॉपिंग में बेड पैटर्न, तो उस बेड पर अपन ने देखो डबल प्लांटेशन किया है, दो रो में प्लांटेशन किया है जिग जैग तरीके से, ठीक है? सो इस पौधे से इस पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास अपन ने रखी है, और इससे और इसकी दूरी लगभग 1.5 फीट के आसपास रखी है, और एक पौधे को फैलने के लिए ये पर्याप्त स्पेस बन गया, मतलब एक दायरा बन गया, उसको ये जगह भी मिल गई, ये जगह भी मिल गई, ये और ये तो है ही उसके पास, ठीक है कि नहीं? सो मतलब हमें ये फायदा हो जाता है कि भाई अगर हम सिंगल लगाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम आएंगे, प्रोडक्टिविटी कम आएगी, बेड तो हमने इतना चौड़ा बना रखा है, सब कुछ किया, और डबल रो से ये भी एक बेनिफिट होता है कि जब हम टॉप पर ये ड्रिप लगाते हैं तो क्या होता है, जब ड्रिप में पानी दे रहे हैं तब तो उसमें लोड है, वजन है, तो वो एकदम सही जगह पे रखा होता है, लेकिन जैसे ही आप मशीन को बंद करेंगे तो ये पूरा एकदम पानी को वापस सिक कर लेता है, सीख खींच लेता है, तो ये बिल्कुल हल्का हो जाता है एकदम बिल्कुल, है ना? और फिर जाके ये टॉप बेड होने से, ऐसा बेड होने से ये खिसकता है बार बार। सो अब क्या होता है कि एक आदमी को पानी चलाने के पहले ये देखना पड़ेगा कि पाइप नीचे तो नहीं खिसक गया है, बीच में है कि नहीं है, पौधे के पास पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा। सो ये मतलब प्रैक्टिकली ये चीज होती है, ठीक है? सो इसमें आपका टाइम और जो है बाकी चीजें भी खर्च होती है, तो इसलिए डबल जब जिग जैग अपन ने किया तो बीच में अपन क्या करते हैं, ड्रिप लाइन डाल देते हैं और उसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट में पौधे लग जाते हैं। सो वो हमें सपोर्ट क्या करता है कि ड्रिप लाइन भले चाहे ऐसी ऐसी हो जाए पर वो खिसकेगी नहीं, नीचे नहीं आएगी, समझ रहे ना? सो बस स्टार्टिंग में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उस वक्त थोड़ा सा रहता है कि भाई पौधे ने अभी जड़ नहीं पकड़ी और स्टेम खड़ा नहीं हुआ, तो वो भले खिसक सकता है, अदरवाइज तो जो है ना फिर एक बार दो बार में ये सेट हुआ पौधा 2-4 दिन के बाद जो है ना फिर वो बीच में एकदम से फंसा रहता है। सो ड्रिप भले देखो अभी ये है, अगर ये पौधा नहीं होता तो ये ड्रिप लाइन जो है ना ऑलरेडी नीचे आ गई होती, तो उधर के सारे पौधों को फिर पानी मिलता। तो जिग जैग तरीके से करने में 3-4 तरह के फायदे होते हैं, ये एक एडिशनल फायदा है कि आपका इसमें समय बचेगा प्रैक्टिकली, ठीक है? और आपको परेशानी नहीं होगी, बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि यार उधर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और दो पौधे आपके एक रो में लग गए तो स्पेस का यूटिलाइजेशन हो गया, क्योंकि आप ये ऑलरेडी स्पेस 3 फीट का तो खाली छोड़ने ही वाले हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगाएंगे तो समझो कि 3,000 के आसपास पौधे लगेंगे, 3,500 के आसपास पौधे लगेंगे एक एकड़ में। और अगर हमने बेड की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर दी, मतलब 2 फीट ये टॉप है और जब ये नीचे से यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां तक, तो ये पूरा 3 फीट से ज्यादा ही हो जाता है, 3-3.5 तक भी हो जाता है। सो इस बेड की साइज पे अपन ने डबल रो प्लांटेशन कर दिया तो हमारे पौधे लग गए 7,000 प्लस, 7,200 के आसपास प्लांटिंग होती है फिर इस विधि से।
तो 7200 पौधे और 3000 में कितना अंतर होता है? खेत वही है ना, फील्ड उतनी ही है, पानी संसाधन सब कुछ उतना ही है आपका, तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है हमारी और स्पेस का हमारा यूटिलाइजेशन हो जाता। अब हम इस पे आच्छादन करेंगे, तो आच्छादन के लिए किसी भी तरह की आप खरपतवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान के पैरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आपकी कोई भी फसल का वेस्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे अदरक हमने निकाला तो अदरक की जो पत्तियां होती हैं उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी है, हल्दी की पत्तियां निकली उसकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फसल का वेस्ट आप आच्छादन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बशर्ते ये है कि वो पूरी तरह से ढकना चाहिए, मतलब जो स्पेस में आप पौधे को उगा रहे हैं या जहां पर भी आपके स्पेस पे पानी लग रहा है वो स्पेस आपका ढकना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब हम धान के पैरे का मल्चिंग करेंगे और फिर किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अपना जो है पूरा बंडल है, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास जो धान हो वो ज्यादा लंबाई की हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको देख लो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बेड जो है ना यू शेप का है, ऐसे है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा, तीर कमान सा इस तरफ निकला रहेगा, उस तरफ से रखेंगे तो उस तरफ से तीर कमान सा निकला रहेगा। तो हमें क्या करनी है इसकी, जैसे हमने वहां पर उसकी ओवरलैपिंग की हुई थी ना और ये ऐसे फंसाया हुआ था, ठीक, इसी तरह से इसमें भी ग्रिप बनाना है और ऐसे फंसा देना, लॉक कर देना, ताकि ये हवा में उड़े भी ना और फंसा रहे और फिनिशिंग दिखे, मतलब ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो इस कंडीशन में क्या होगा, हवा जब इस तरफ की चलेगी तो ये ऐसे उठाएगा इसको और जब इस तरफ निकला रहेगा तो इस तरफ की हवा से उठेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर करें कैसे, तो ये जो हमने ये देख लिया कि हमारा जो मटेरियल है यहाँ हम रख रहे हैं, मतलब यहाँ तक हमें ढकना है, तो यहाँ इसका टॉप आ रहा है बेड का, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको मोड़ देंगे, ऐसे हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मोड़ दिया और मोड़ के फिर हम इसको आराम से ऐसे रख देंगे। देखो अब इसने जगह ले ली अपनी बढ़िया, ये यहाँ से आके नीचे झुक गया बराबर, अब ऐसे ही उस तरफ से करेंगे, तो ऐसे करके आपको पेड़ बस ऊपर निकालना है, बाकी का एरिया जो भी है वो आपको ढक देना है, ठीक है। ये अपन ने पेड़ ऊपर बस निकाल दिया और बाकी का एरिया ढक दिया और इसको ऐसे फैला देना है बिल्कुल एकदम, बहुत ज्यादा मोटा नहीं डालना नहीं तो बहुत लग जाएगा फिर तो, और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं डालना है, एक एवरेज में आपको इसको डालना है, ठीक है, ये लिया। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ से इस तरफ से इतना फोल्ड इसको ऐसे कर देंगे और बस ये बिछा देंगे, ये देखिए फंस गया ना, है ना, ऐसे ही अपन को फंसाना है, ठीक है। तो अब अपना अपना बेड पकड़ लो और पेड़ को बस ध्यान रखना कि पेड़ जो है ना आपके ये डालने से वो दबने ना पाए, आप उतना उसको निकाल के रखो, ठीक है, ये ठीक है, और ऊपर टॉप पे आपको उसकी मुंडी से उसको दबा लेना है ताकि वो हो जाए, यहाँ से स्टार्टिंग से डालो, बीच में हो जाओ कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ना स्टार्टिंग में अपना अपना बेड पकड़ लो, कुछ लोग अपने वहाँ के 3 बेड है वो निपटा लो, ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा फोल्ड करके और डालना है, उसका मतलब यही है कि वो बेड पे पूरा शेप ले ले बस और ओवरलैपिंग हो जाए, इधर से बहुत ज्यादा घना नहीं डालना, बहुत ज्यादा बेगरा नहीं डालना, ज्यादा हो रहा है सर, घना हो रहा है बहुत, घना हो रहा है, हाँ ये पूरा, हाँ ये इस बारे प्लांट तक आ जाएगा उतना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा मटेरियल आपको, एक मुट्ठी ऐसा बन जाए, बस एक मुट्ठी लो, क्योंकि ज्यादा लेंगे ना तो वो फैलाने में दिक्कत होती है फिर, ये और फैलाओ इसको कम, मतलब फैलाओ मतलब वहां से इकट्ठा उठाओ, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा उठा रहे आधा गिर रहा है, ऐसे नहीं करो, मतलब उठाओ इकट्ठा पूरा मटेरियल उठाओ एक साथ में, हाँ जैसे ये उठा रहे, हाँ अभी इसको हमने मल्च कर दिया, इस पे पानी और मिट्टी संपर्क में रहेगी, जब ये पूरा फसल ऊपर आ जाएगी ना तो शेडो हो जाएगा, शेडो हो जाएगा तो पानी मॉइस्चर मिट्टी
साथ में हो जाएंगे ये, तो धीरे धीरे जाके ये फसल निकलते ही ये डिस्पोज हो जाएगा। तो वो कंपोस्ट मिल गई अगली फसल के लिए बढ़िया, और इसको भी मिलेगी, है ना। तो ये कई फायदे हैं, और अपना वेस्ट का इस्तेमाल हो गया सही ढंग से। ये 3-4 महीने में कंपोस्ट हो जाती है? 4-5 महीने। हाँ हाँ चलो, ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा छोटा हो ना जो खरपतवार, शनि में तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए देसी तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, मतलब कि कुछ वो किया जाए, उसमें यही है कि घना आप वो, और वो निकलने के पहले आप उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं, पॉलीथिन बिछा के और पानी दे के जो भी वीड्स हैं उसमें वो पहले ही मतलब कंपोस्ट कर लें हम, है ना। इस तरह का कुछ उपाय किया जा सकता है, स्वयं देखेंगे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आप को करेक्ट करते हुए सही करो। देखो ये यहाँ पे कहीं ज्यादा रख दिया, ये छोड़ दिया, ऐसे मत करो। यहाँ भी देखो छोड़ दिया सर, इसको पूरा यहाँ तक पहले यहाँ से फिनिश करो और पूरा कंप्लीट करो। देखो ये कहीं छूट गया, कहीं गिर गया, ये ज्यादा हो रहा है। देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं, ऐसे फैला के करना है, फैला के करना है, ठीक है सर। ये वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा फैला के डालो। मतलब जो है ना, जैसे इकट्ठा हम लोग रख देंगे तो मटेरियल भी ज्यादा यूज हो जाएगा और एरिया भी कम कवर होगा, और अगर आप उसको प्रॉपर फैला दोगे, सिंपली को बिखेर दोगे तो स्पेस ज्यादा कवर करेगा और मटेरियल कम लगेगा। तो सब लोग जो है ना, मटेरियल को थोड़ा थोड़ा लो, जितना कम लोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे, और ज्यादा इकट्ठा लोगे तो फैला नहीं पाओगे, फिर उधर ही उधर ऐसे ऐसे कर दोगे। ऐसा सर, इसमें कुछ और कुछ है करेक्शन सर? ऐसा नहीं, नहीं और डालें, आप थोड़ा फैलाओ, आप है ना, आपका सही है, ठीक है आपका सही है, आप थोड़ा फैलाओ, ज्यादा घना हो रहा है। चलो ठीक है सर, ये वाला अपने आप को देखो, परफेक्ट करो, है ना। प्रैक्टिकल का मतलब यही होता है।